गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 एक्सरसाइज कंटिन्यू थी अपने पास में 5.2 और इसमें क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए थे और क्वेश्चन 5 जो है इसमें दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट के द्वारा इसको शो करना है और इसमें लैंग्वेज डिफरेंट जो लैंग्वेज है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है इसमें हिंदी, हिंदी जो लैंग्वेज है इसमें स्टूडेंट है अपने पास में टोटल 14। इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं 12 एंड मराठी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं 9। नेक्स्ट इसके बाद में तमिल जो लैंग्वेज है इसके स्टूडेंट है 7 एंड बंगाली और टोटल स्टूडेंट्स है इसमें 72। अब पाई चार्ट शो करने के लिए अपने पास में टोटल जो है लैंगल होता है इसमें 360 से इसमें एंगल अपन काउंट करते हैं हिंदी का, हिंदी ये यहां पर लिखते हैं सेंटर एंगल, एंगल ऑफ हिंदी या लैंग्वेज हिंदी तो यहां पर हो जाएगा 40 अपॉन टोटल स्टूडेंट 72 मल्टीप्लाई 360। यहां से इसको क्रॉस करते हैं तो या तो अपन क्या करते हैं 36 से 2 बार क्रॉस हो गया 36 बन जा, ये 10 बार क्रॉस हुआ यहां से 2 बन जा 2 और 2 टू जा 4 तो इसका टोटल जो है एंगल हुआ अपने पास में 200। नेक्स्ट इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का 12 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 12 बन जा 12 और 12 सिक्स जा 72 और 6 बन जा 6 और 6 सिक्स जा 36 तो इसका एंगल हुआ 60 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद में मराठी इसका सेंटर एंगल होगा 9 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 9 से 9 8 72 8 से इसको क्रॉस करते हैं 360 को अपन 8 से क्रॉस कर देते हैं 8 से डिवाइड करते हैं यहां पर 32 एंड 40 8 5 40 तो इसका एंगल हो गया अपने पास में 45 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट लैंग्वेज अपने पास में ये मराठी हुआ, तमिल लैंग्वेज में है 7 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 यहां से इसको 12 से क्रॉस किया 12 और इससे 6 से इसको क्रॉस किया तो 5 बार क्रॉस हुआ और यहां पर इसका एंगल हुआ अपने पास में 35। नेक्स्ट लास्ट लैंग्वेज अपने पास में बंगाली, इसका सेंटर एंगल होगा 4 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 इससे इसको क्रॉस करते हैं 5 बार क्रॉस हुआ और इसका सेंटर एंगल हुआ अपने पास में 20 डिग्री। यहां से देखिए काउंट करिए टोटल 360 होता है 200 प्लस 60 260 प्लस 45 305 के बाद में अपने पास में है 35 एंड 20 यहां पर 5 और 5 10 यहां पर हुआ 1 तो टोटल एंगल जो है यहां पर हो गया 360। आप इसे पाई चार्ट ड्रॉ अपन करते हैं तो यहां पर देखिए पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंगल जो लैंग्वेज है अपने पास में हिंदी इसका सेंटर ये तो एंगल होता है 180 अपने पास में है 200 तो ये तो हो गया यहाँ पर 200 एंगल 200 यहाँ पर 180 से थोड़ा सा अब हो जाएगा 200 ये एंगल हो गया अपने पास में 200 और इसमें लैंग्वेज अपने पास में होगी हिंदी। नेक्स्ट एंगल है इसके बाद में 60 डिग्री इंग्लिश का जो है 60 डिग्री है ये एंगल हो गया 60 डिग्री और लैंग्वेज अपने पास में हो गई इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज
नेक्स्ट इसके बाद में है 45 डिग्री। यहां पर देखिए या तो अपन राइट डाउन अपन करेंगे तो या तो एंगल डी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर ये हो गया 45 डिग्री और ये लैंग्वेज अपने पास में है मराठी। नेक्स्ट इसके बाद में है 35 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री एंड लैंग्वेज है इसके में तमिल। और लास्ट जो है 20 डिग्री ये बंगाली। इस तरीके से इस पाई चार्ट को अपने क्या किया है ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये पाई चार्ट जो ड्रॉ करोगे वो पेंसिल से ड्रॉ करोगे, बाकी का जो वर्क होगा वो पेंसिल करोगे, ठीक है। और मैथ्स की कॉपी के अंदर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में एक्सरसाइज अपने पास में 5.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले अपन कुछ फॉर्मूला है, सिंगल एक फॉर्मूला है जिसमें प्रोबेबिलिटी अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए इसमें फर्स्ट जो है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, यहां पर इसको हिंदी में अपन बोलते हैं आंकड़ों की प्रायिकता या जो भी अपने को दिया हुआ है उसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इसको बोलेंगे प्रायिकता। तो किसी भी जो भी आंकड़ा आपने को दे रखा है उसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल रेबल ऑफ आउटकम्स जिसके लिए प्रायिकता पूछी गई है। यहां पर नेक्स्ट इसके बाद में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको हिंदी में भी डाल लीजिए आप, हिंदी लैंग्वेज में आएगा प्रायिकता इज इक्वल टू प्रायिकता जो कि आंकड़े अपने को दे रहे हैं उसकी प्रायिकता निकालने के लिए इसमें डालते हैं अपन घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या कुल संख्या। अब देखिए इसके बाद में ये तो अपना हुआ फॉर्मूला जिसमें अपन प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता अपन क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर फर्स्ट है, इसमें फॉर्मूला जो है वो सिंगल है। अब इसके बाद में यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें दे रखा लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी दी एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के लिए यहां पर स्पिनिंग एक व्हील जो दिया हुआ है उसमें ए बी सी एंड डी शो कर रखा है अपने को। एक जो व्हील है जो अपन क्या करते हैं टीवी के अंदर जो शो होता है उसके अंदर इस तरीके का व्हील होता है जिसको अपन क्या करते हैं इस व्हील को जब रनिंग कराते हैं स्प्रिंग अपन ने जब कराया तो यहां पर ये व्हील जो दिया है इस तरीके से दिया हुआ है ए वन टू थ्री फोर फाइव है। इसके बाद में यहां पर ये ए है डबल ए शो किया है, इसको डी ये सी एंड इसके बाद में यहां पर ये क्या है बी शो किया है स्प्रिंग एक व्हील। इसको जब अपन करते हैं लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट, अब इसमें यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 and 5 है तो इसमें आउटकम जो होगा फर्स्ट आउटकम जो होगा वो होगा 5 क्योंकि किसी के लिए प्रोबेबिलिटी इसने पूछी नहीं है। प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है 1, 2 या यहां पर ये पूछा कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तब इसमें यहां पर आंसर होगा 1/5। ओनली आउटकम पूछा है कि इसको अपन जब रनिंग कराएंगे स्प्रिंग जब कराएंगे इसमें कितने आउटकम हो सकते हैं इसमें 5 होगा 1, 2, 3, 4 and 5। नेक्स्ट इसके बाद में टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें क्या है टॉसिंग
ये तो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर वन जो दिया है अपने पास में, यहां पर दिया है स्पिनिंग ए व्हील, स्पिनिंग ए व्हील, इसको जब रनिंग कराएंगे तो, और इसको हिंदी में अपन कहेंगे यहां पर पहिए को घुमाने पर, पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम, इसको हिंदी में भी डाल लीजिए, पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम, तो इसमें टोटल जो है रिजेक्ट हुए यहां पर 5। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, यहां पर जो दिया है बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास में है टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो प्राप्त परिणाम, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो यहां पर अपन सबसे फर्स्ट जो डालेंगे टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर, तो यहां पर फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा अपने पास में रिजल्ट ऑफ टॉसिंग टू कॉइंस टू कॉइंस, यहां पर देखिए टू जो कॉइंस है उससे अपन को शो करना है, ये टू कॉइंस है, जब इनको अपन क्या करते हैं टॉसिंग कराते हैं तो यहां पर देखिए एक तो हैंड है, हेड एंड इसके बाद में यहां पर इसमें होता है टेल, ये भी हेड है और ये क्या है टेल है, अब इसमें होगा क्या, क्या आएगा रिजल्ट में, तो यहां पर हो सकता है कि जब इन टू कॉइंस को अपन जब क्या करते हैं टॉसिंग कराएंगे तो फर्स्ट बार दोनों का क्या होगा हेड हो सकता है, नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड जो होगा एक का हेड हो सकता है दूसरे का टेल हो सकता है, नेक्स्ट थर्ड में ये होगा कि दोनों का टेल भी हो सकता है, और लास्ट में जो होगा क्या होगा इसके बाद में प्रॉपर 1 2 3 और एक हेड हो गया एक टेल हो गया, इसके बाद में यहां पर फर्स्ट जो होगा ये होगा टेल एंड हेड और लास्ट में टेल एंड टेल, कैसे यहां पर देखिए टू कॉइंस है जिनको अपने टॉसिंग कराया उछाला है, तो फर्स्ट बार हो सकता है इनका दोनों का हेड हो, दूसरा सेकंड जो होगा ये लास्ट जो अपने डाला है दोनों का टेल हो सकता है, इसके बाद में इस जो कॉइन है इसका हेड होगा इसका टेल हो सकता है या इसका टेल एंड इसका हेड हो सकता है, तो यहां पर 4 पोजीशन अपने पास में आ सकती है, ये इसका रिजल्ट है। अब इसको हिंदी में अपन डालते हैं, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं, सिक्के उछाले जाते हैं तो प्राप्त परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा, यहां पर वही सबसे पहले तो या तो दोनों सिक्के जो है उनका हेड आएगा, या एक का हेड एक का टेल हो सकता है, एक का टेल एक का हेड या दोनों का टेल भी आ सकता है, तो ये 4 पोजीशन अपने पास में होगी दो सिक्कों को उछालने पर। एक सिक्के को जब उछालता है तब तो अपने पास में एक ही होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिंगल कॉइन को जब अपन उछालते हैं, अरे ना। अब इसके बाद में जब दो पॉइंट्स को उठाते हैं तो दो पॉइंट्स के लिए पोजीशन ये होगी अपने पास में, इसमें 2 पोजीशन होती है, इसमें 4 पोजीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके बाद में, यहां पर अपने पास में होगा ये वर्क जो है वो मैथ्स की कॉपी में करोगे, और जैसे आपको ये ड्रॉ किया है पाई चार्ट इस तरीके से ड्रॉ आपको करना है, ये पेंसिल से होगा, बाकी का वर्क आप करोगे पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी अपने पास में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास में दिया है इसी तरीके से, लेकिन इसमें लैंग्वेज और क्वेश्चन को चेंज किया है, तो उसमें कहा क्या गया है, इसने कहा है व्हेन ए डाई इज थ्रो लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट इज गेटिंग डाई, डाई जो आप पासा फेंकते हो जिसको अपन हिंदी में पासा बोलते हैं, तो उसमें नंबरिंग जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबर अपने पास में है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कहा क्या है इसमें, यहां पर फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला है ए,
यहां पर एक है ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर, इसमें यहां पर देखिए प्राइम नंबर 3 और 5 ये प्राइम नंबर है ना। तो यहां पर इसको जाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो यहां पर होगा कितना, प्राइम नंबर यहां पर होगा कितना, प्राइम नंबर फर्स्ट यहां पर 2 भी है तो यहां पर प्राइम नंबर इक्वल हो जाएगा 2, 3 और 5 प्राइम नंबर। सेकंड इसकी के बाद में है यहां पर ए, ये हो गया बी, बी में अपने पास में नॉन ए प्राइम नंबर, नॉन ए प्राइम नंबर, नॉन ए प्राइम नंबर इसमें हो जाएगा 1, 4 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद में यहां पर इसको हिंदी में अपन जो डालेंगे वो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, और दूसरा ये हो जाएगा एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर इसी का सी है, यहां पर है 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है 6, यहां पर लिखेंगे ए नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, और इसको हिंदी में डालते हैं 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, तो यहां पर क्या होगा 5 से बड़ी संख्या में कितना हो जाएगा 6। आगे 5 से बड़ी संख्या नहीं, क्वेश्चन नंबर डी है, यहां पर होगा 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसको डी को यहां पर राइट डाउन कर रहे हैं अपन, ये हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन 5, तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर 1, 2, 3, 4 नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, और इसको हिंदी में डालते हैं अपन 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है 1, 2, 3, 4 और 5 के इसमें 5 में क्या होगा एड होगा। अब ये क्वेश्चन आप यहां तक क्या करोगे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन हमारे यहां पर देखिए फर्स्ट को आपने पास में 5.2 का लास्ट क्वेश्चन 5 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ओके।